हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई राहुल स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शौक बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए थे, तकरीबन 3 महीने से ऊपर हो गया हमने जो है बैला और विस्की की डिवॉर्मिंग नहीं करी है। और दोस्तों, जो डिवॉर्मिंग है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डॉग्स के लिए, क्योंकि उनकी जो पेट होता है उसमें वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उसके जो डॉग गंदगी खाने लगता है, आँखों में जो है गंदगी आने लगती है, लक्कड़ चबाना, गंदगी में मुँह मारना। तो दोस्तों, उससे क्या होता है, डॉग जब खाता है तो उसे लगता भी नहीं है। तो दोस्तों, मैंने अभी ये टैबलेट लेके आया हूँ, इसका नाम है स्काई बॉम्ब्स। तो दोस्तों, तकरीबन सभी भाइयों को पता है कि डिवॉर्मिंग कैसे करते हैं, और जो भाई नए हैं मैं उनको बताता हूँ डिवॉर्मिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, ये जो एक टैबलेट है वो 10 kg पे चलती है, यानी अगर आपका डॉग 20 किलो का है तो 2 टैबलेट, यदि आपका डॉग 30 किलो का है तो 3 टैबलेट, और अगर आपका डॉग वहीं 15 किलो का है तो आपको 1.5 टैबलेट देनी होती है। जो मेरी बैला है उसका जो वेट है दोस्तों वो 15 किलो की है तो मैं 1.5 टैबलेट दूंगा, और जो मेरी विस्की है वो 25 किलो की है तो मैं 2.5 टैबलेट दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 10 kg पे एक गोली चलती है। तो आइए दोस्तों, डिवॉर्मिंग करते हैं। और दोस्तों, डिवॉर्मिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है मॉर्निंग में, क्योंकि दोस्तों आप रात को डॉग को खाना खिलाइए और उसके बाद उसको वॉक पे ले जाइए, उसको फ्रेश करवाइए। और दोस्तों, सुबह जो डॉग होता है बिल्कुल खाली पेट होता है, तो दोस्तों सबसे अच्छा टाइम सुबह का होता है, आप सुबह डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। चाहे आप किसी मीठे में इसको दे सकते हैं, और मैं तो दोस्तों ऐसे ही खिला देता हूँ। बाकी दोस्तों याद रखिए, डिवॉर्मिंग करने के कम से कम 1.5 घंटे तक डॉग को कुछ ना खिलाइए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने 2 टैबलेट ले लिए। हमारी बैला का वजन 15 किलो है तो मैंने 1.5 टैबलेट लिए। अब देखिए मैं कितनी आराम से सुनी हूँ। ओके, कम अब सिट दिखाओ, यहाँ जाओ। ये दोस्तों सीधा मैं तो ऐसे खिला देता हूँ, सबसे आसान तरीका है। तो ये देखिए दोस्तों, गोली इसने खा ली है, और अब 1.5 घंटे तक हम इसे कुछ भी नहीं देंगे। कर दो बंद। से मिल ले दोस्तों, इसका नाम हमने डुकू रखा है, और दोस्तों अभी ये बहुत भूखा और है, तो इसको खाना खिलाएंगे, देख सकते हैं। दोस्तों अब मैश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डुकू खुद खाना सीख गया। फोकस कीजिए थोड़ा सा कैमरा पे, पास से पास से देख सकते हैं कितना भूखा हो रहा था। वैसे दोस्तों, जब से ये इस फैमिली में आया है तो सबका प्यार मिल रहा है, हर कोई इसे बहुत प्यार कर रहा है, अपने साथ रखता है, प्यार करता है, खिलाता है। और इसके आने से दोस्तों एक काफी अच्छा घर का एनवायरनमेंट हो गया है। सिटी बस्ती। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वक्त है रात के 8:40, और अभी मैंने दोनों को जो है खाना दे दिया है। अब देखिए दोनों आएंगी। टाइम वो घर में बंधे हुए भी नहीं होने चाहिए, उन्हें खोलिए दोस्तों। वैसे जब ये पार्क से आते हैं ये डायरेक्ट बंधते नहीं है, मैंने खुला छोड़ देता हूँ, ये थोड़ी देर नीचे रहते हैं। और अब देखिए दोस्तों, अभी भी ये मस्ती मारेंगे, खुले हुए खेलेंगे कूदेंगे, और इनको कम से कम दोस्तों 1 घंटे बाद जो ये थक जाएंगे, मैं इनको इनके इनकी जगह पे बांध दूंगा, इनको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगा। ये देखिए घर में इनकी शैतान है, सारा दिन दोस्तों बस ऐसे ही निकल जाता है इन दो प्यारे दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी इनकी आप हालत देख सकते हैं, कैसे थक चुकी हैं ये। ये देखिए बैला की जबान और विस्की को देखिए, और दोस्तों ये देखिए खेल खेल के इन्होंने पट्टा भी ऐसे फेंक दिया है। और अब इन दोनों को देखिए बिल्कुल थक चुकी हैं, लेकिन बैला जो अब भी मस्ती के मूड में। तो दोस्तों ये था आज की एक छोटी सी वीडियो, में फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। और दोस्तों जो भाई चैनल को नया देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो में।